الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 104 से आगाज़ कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज की इस नशिस्त में सूरतुल बकरा के मज़ामीन का खुलासा मुकम्मल कर लें। इन आयात में जो अभी पढ़ी गई हैं इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि जब कोई अमल ऐसा हो जिसके पीछे जो अमल बज़ाहिर दुरुस्त हो लेकिन उसके पीछे नीयत ख़राब हो तो उस अमल को भी शरीयत और इस्लाम तब्दील करने का हुक्म देता है और उस अमल से बाज रहने का हुक्म देता है। और अगर उस अल्फाज या उस अमल की दुरुस्तगी के बावजूद कोई उससे गलत तरीके से नफ़ा उठा रहा है या उसको गलत माना पहना रहा है तो फिर ये भी ज़रूरी है कि उस अमल को तब्दील कर लिया जाए, उसके अंदर इस्लाह की जाए। जैसा कि यहाँ है कि बाज़ यहूदी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आकर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे राहिना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि राहिना मत बोलो, क्योंकि यहूदी जब इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं तो इसका गलत माना और मफहूम मुराद लेते हैं और उसकी गलत तशरीह करते हैं, लिहाजा इससे आप इज्तनाब करें और इसकी जगह लफ्ज़ इस्तेमाल करें उनज़ुरना। तो वजह यही थी कि वो इस लफ्ज़ का वो माना मुराद नहीं लेते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के मुनासिब था, बल्कि इससे वो लफ्ज़ वो माना मुराद लेते थे जो आपकी शान के ख़िलाफ़ था। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मसला ये भी बयान किया है कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला कोई एक हुक्म नाजिल करते हैं फिर उसके बाद उस हुक्म को कैंसिल कर देते हैं, मंसूख कर देते हैं, उसमें तब्दीली कर देते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला का दायरा इख्तियार है कि वो अपने अहकाम में जैसे चाहे तब्दीली कर सकता है, चाहे वो नया आने वाला हुक्म उस पहले हुक्म के मुताबिक हो या उससे बढ़कर हो, उससे बेहतर भी कोई हुक्म मिल दिया जा सकता है इंसानियत को। और साथ साथ अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम, आयत नंबर 108 में, कि हिदायत दी जा रही है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम से सवाल ज़्यादा ना किया करो, क्योंकि बनी इसराइल ने भी इसी तरह किया, उन्होंने अपने पैगंबर से बहुत ज़्यादा सवालात किए। बकसरत सवालात करने का नतीजा ये निकला कि वो गुमराही के रास्ते पर चल पड़े और सीधा रास्ता इख्तियार नहीं कर सके, और ये नतीजा था उनके ज़्यादा पूछने का, ज़्यादा सवालात करने का। तो अगर तो सवाल बामकसद हो, किसी अमली गर्ज से किया जा रहा हो या किसी इल्मी मकसद के तहत किया जा रहा हो तो उसको तो इस्लाम और शरीयत वेलकम करती है, खुशामदेद कहती है। लेकिन अगर सवाल ऐसा हो जिसका मकसद सिर्फ किसी शरीयत के हुक्म पर अमल करने से पहलू तही करने का रास्ता निकालना हो तो ऐसा सवाल काबिल लिहाज नहीं होता और ऐसे सवाल करने से मना किया जाता है हर ज़माने में। इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहूद व नसारा के हवाले से यहाँ एक बात इरशाद फरमाते हैं कि वकालत अल-यहूद लैसत अन-नसारा अला शै, वकालत अन-नसारा लैसत अल-यहूद अला शै, आयत नंबर 113 में, कि यहूदी ये कहते थे कि ईसाई किसी मज़हब पर नहीं है, उनकी कोई हकीकत नहीं है, उनकी कोई बुनियाद नहीं है, और ईसाई ये कहते थे कि यहूदियों के मज़हब की कोई बुनियाद नहीं है, ये बिल्कुल बेसलेस मज़हब है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं किताब तो तुम दोनों पढ़ते हो, किताब की तलावत भी तुम दोनों करते हो, उसके बावजूद ये कैसे हो सकता है कि तुम एक दूसरे के बारे में ये कहने लगो कि इसके मज़हब की कोई बुनियाद नहीं है। लिहाजा तुम्हारा ये बात कहना दरअसल ये साबित करता है कि इस अमल के पीछे या इस बात के कहने के पीछे तुम्हारी नीयत सही नहीं है, तुम्हारी गर्ज बातिल है, तुम्हारा मकसद दुरुस्त नहीं हो सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोया इस मौके पर इस्लाह की लोगों की,
और ये इरशाद फरमाया कि तुम अपने इस इरादे को ठीक करो और बजाय एक दूसरे को गलत कहने के अपने आमाल की दुरुस्तगी और इस्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। और अजीब बात ये देखें कि आज बहसियत उम्मत मुस्लिमा के हमारा भी रवैया इसी तरह का है कि हम एक दूसरे को गलत करार देने पर तो फोकस किए हुए हैं लेकिन इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देते कि हमारे अपने अंदर क्या ख़राबी है और क्या उसकी इस्लाह की ज़रूरत है। ये एक बुनियादी बहुत ज़रूरी सी बात है। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं यहूद नसारा के हवाले से कि वलन तर्ज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि यहूद नसारा उस वक्त तक आपसे खुश नहीं होंगे, राज़ी नहीं होंगे जब तक आप इनके दीन की पैरवी नहीं करेंगे। और ज़ाहिर है जब आप इनके दीन की पैरवी करेंगे तो फिर अपने मज़हब और अपने दीन से हाथ धो बैठेंगे। लिहाजा बताने का मकसद यह है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि तुम्हारे और उनके दरमियान कोई मेल मिलाप का कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, क्योंकि तुम्हारा और उनका अकीदे का फ़र्क है, ईमान मुख्तलिफ है, अकीदे की बुनियाद अलग अलग है। लिहाजा अपने दीन पर मजबूती से चलने की कोशिश करो बजाय इसके कि दुनिया के पीछे चलने की और उसको फॉलो करने की और लोगों को राज़ी करने की कोशिश करो। आज की दुनिया में इंसान का मसला यही है कि वो ये चाहता है कि सब लोग उससे खुश हो जाएं। उसे मालूम होना चाहिए कि ये एक ऐसा मकसद है जो कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। उसे सिर्फ ये कोशिश करनी चाहिए कि वो हक पर कायम रहे, सच्चाई पर कायम रहे और हिदायत के बाद गुमराही से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ये कोशिश करना कि सारी इंसानियत उससे राज़ी हो जाए, उसके बजाय उसे ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने रब को, अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनको राज़ी करें, अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी हासिल करने की कोशिश करना। ये इंसान का बुनियादी मकसद होना चाहिए। इसके बाद अगली आयात जो हैं वो मुतअद्दिद आयात ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुतअद्दिद हैसियतें हैं। पहली उनका मकाम यह है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जब दुनिया में भेजा तो उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तिहानात लिए गए। पहला इम्तिहान यह था कि उन्होंने अपने ख़ानदान के दीन और मज़हब की मुखालफत की, वो शिर्क और बुतपरस्ती पर कायम थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका मुकाबला किया और अपनी कौम को इससे रोकने की कोशिश की। दूसरा ये था कि जब कौम नहीं मानी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना वतन छोड़कर किसी और जगह जाना पड़ा। वो इराक़ से फ़लस्तीन या शाम के इलाके में आकर बस गए और वो हासिल नहीं कर सके अपने लिए उस मुल्क में रहने की इजाज़त या आज़ादी, बल्कि उन्हें अपना वतन ही छोड़ना पड़ा। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। उसके बाद एक आजमाइश ये हुई कि उन्हें हुक्म मिला कि वो अपने बेटे और बीवी को बैतुल्लाह के पास, मस्जिद हराम के पास, मक्का मुकर्रमा में जाकर छोड़ कर आएँ। और यह हुक्म उस वक्त मिला जब वहाँ पर कोई बसने वाला इंसान मौजूद नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन का यह हुक्म भी पूरा किया। फिर पहला बेटा जो पैदा हुआ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हुक्म मिला कि इस बेटे की गर्दन पर छुरी चला दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके लिए भी तैयार हो गए और उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी को लिया नहीं बल्कि सिर्फ हुक्म दिया। इस इम्तिहान में भी वो पूरे उतरे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने उसी बेटे के साथ मिलकर जब वो बड़ा हो जाए तो मेरे घर यानी बैतुल्लाह की तामीर करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह अमल भी किया और फिर वहाँ पर खड़े होकर ये दुआ की कि अल्लाह मेरी औलाद को और सबको इस्लाम पर कायम रखना, फरमाबरदार बनाना, और साथ साथ ये भी दुआ की कि अल्लाह मेरी औलाद में एक पैगम्बर भेज दे, ऐसा पैगम्बर यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, जो लोगों के सामने आपकी आयात की तलावत करे और लोगों को किताब व हिकमत की तालीम दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये जो दुआ थी, इस दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला ने मुझे भेजा, मेरी बेइज्जत हुई और मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ की कबूलियत का नतीजा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को, और यहूद थे या नसारा या मुसलमान या तक कि अहले अरब और मुश्रिकीन, सब अपनी अपनी सतह पर
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अपने आप को एफिलिएट करते थे, अपनी वाबस्तगी बताते थे और ये कहते थे कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। लेकिन हकीकत में पैरोकार कौन थे उसका इज़हार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद किया और फरमाया कि असल में हज़रत इब्राहीम के पैरोकार वो हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो मुवहिद थे, तौहीद पर अमल पैरा थे। और इसी तरह उनकी खासियत ये भी थी कि वो तौहीद के साथ साथ शिर्क बुत परस्ती से बेजार थे और आसमानी हिदायत पर अमल करने वाले थे, आसमानी हिदायत पर अमल करने वाले थे। और तुम लोग अगर उनके साथ अपनी वाबस्तगी का दावा करते हो तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इन तमाम हवालों से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हो, इन तमाम हवालों से उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते हो। अगर तुम उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते तो फिर यकीन रखो कि तुम उनके तरीक़े पर नहीं हो। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान को जो वसीयत की थी वो वसीयत भी यही थी, वो वसीयत भी यही थी कि मेरे बाद मेरे दीन पर कायम रहना। तो उन्होंने वो वसीयत नहीं की थी कि मेरे बाद यहूदी बन जाना या मेरे बाद ईसाई बन जाना, वो तो ये वसीयत करके गए थे कि मेरे बाद अल्लाह के दीन पर कायम रहना। लिहाजा उनकी आखिरी वसीयत का तकाजा भी यही है कि तुम उनके दीन पर कायम रहो और उनकी बताई हुई शरीयत पर अमल करोगे तो तुम इब्राहिमी कहला सकोगे, वरना तुम्हें इब्राहिमी कहलाने का कोई हक हासिल नहीं है। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल्लाह तामीर किया था उसी खाना काबा को अल्लाह ताला ने आने वाली इंसानियत के लिए बैतुल्लाह क़िबला बना दिया और पूरी इंसानियत को हुक्म मिला कि वो उसकी तरफ रुख करके, उसकी तरफ मुँह करके इबादत किया करें, नमाज पढ़ा करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का एक तकाजा ये भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की तामीर करदा खाना काबा की तरफ रुख करके इबादत की जाए और उसे अपनी इबादत का मरकज़ बनाया जाए। जबकि यहूदी जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो इस चीज़ की मुखालफत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इब्तदा में आप अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके इबादत करते थे, तो यहूद ने जब देखा कि मुसलमानों ने अपना क़िबला बदल लिया है तो उन्होंने इस पर तनकीद की, मुसलमानों पर तंज किए। तो अल्लाह ताला ने बताया कि उन्होंने क़िबला बदला नहीं है, उन्होंने क़िबला इब्राहिमी इख्तियार किया है और ये अल्लाह ताला के हुक्म के तहत इख्तियार किया है, इसमें उनकी अपनी मर्ज़ी शामिल नहीं है। और नस्बत इब्राहिमी की मजबूती भी इसी के अंदर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई इमारत को क़िबला के तौर पर इख्तियार किया जाए। और याद रखिए कि क़िबले का माना ये नहीं है कि मुसलमान बैतुल्लाह की इबादत करते हैं, इबादत वो अल्लाह ताला ही की करते हैं, बंदगी उसी की जाती है, उसके अलावा किसी की नहीं की जाती। हत्ता कि अगर किसी वक्त में खुदा नखास्ता बैतुल्लाह की जो इमारत है वो मुनहदिम हो जाए, गिर जाए, तो उस वक्त भी मुसलमान बैतुल्लाह ही की तरफ रुख करके इबादत करेंगे, क्योंकि असल में इबादत के अंदर इज्तिमाईयत पैदा करने के लिए सबको एक तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया है, वो इमारत मकसूद नहीं है, अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करना मकसूद है। तो इबादत उसी की है, उसी परवरदिगार की है। मुसलमानों ने दीगर मुशरिक अक़वाम की तरह अपने लिए बैतुल्लाह को एक बुत बनाकर उसकी पूजा नहीं शुरू की, इबादत अल्लाह ताला की जाती है। जैसा कि बाज़ लोग ये एतराज़ करते थे तो अल्लाह ताला ने बताया कि नहीं, इबादत सिर्फ उसी की है और ये जो है ये क़िबला तवज्जो है और इसका मकसद इज्तिमाईयत पैदा करना है और इसका मकसद इबादत के अंदर यकजहती पैदा करना है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद आयात में एक बहुत अहम मसला बयान फरमाया है, वो है कि दुनिया में इंसान को जो तकालीफ आती हैं उसके पीछे गर्ज क्या है, मकसद क्या है। आप देखें, दुनिया में एक फ़िलासफ़र्स के यहाँ एक मसला ज़ेर बहस रहता है हमेशा कि आखिर ये दुनिया में जो तकलीफ़ रखी गई है, जो आजमाइशें रखी गई हैं, अगर इंसान दुनिया में आता कोई तकलीफ़ ना होती, राहत राहत और आराम से ज़िंदगी बसर करता और आखिरकार चला जाता तो कितना अच्छा होता। ये दुनिया दुखों से पाक होती, गम से, गम इसके अंदर होता ही ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात में याद दिलाते हैं कि हम यह दरअसल तुम्हारे आजमाइश के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, कभी भूख देकर, कभी खौफ देकर, कभी माल कम करके, कभी जान कम करके, कभी तुम्हारी
फलों और पैदावार में कमी करके तुम्हें आजमाते हैं ताकि हमें पता चले कि तुम में से सब्र करने वाले कौन हैं और बेसब्रे कौन हैं। सब्र करने वाले जब उन पर कोई तकलीफ़ आती है तो वो कहते हैं कि हम तो अल्लाह की मिल्कियत हैं और वापस भी हम अल्लाह ही के पास जाएंगे, लिहाजा उसी अल्लाह के यहाँ जाकर इस तकलीफ़ और आजमाइश का अजर भी पाएंगे। तो जब कोई सब्र करता है और ये अल्फाज कहता है और ये जज्बा अपने अंदर रखता है तो अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगली आयात में हुक्म दिया है कि इल्म को छुपाना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उस इल्म को छुपाए जो उसे अता किया गया है जबकि उससे पूछा भी जा रहा हो तो क़्यामत के दिन अल्लाह ताला उसे एक आग की लगाम डालेंगे। इल्म छुपाना ये यहूद का काम था कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक उनकी किताब में जो हिदायत थी उन्हें छुपाते थे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें भी मना फरमाया और फरमाया कि जो कुछ इल्म तुम्हारे पास पहुंचा है पूरी इंसानियत तक खुले आम तरीके से उसे पहुंचाओ, ये तुम्हारे फ़राइज़ में शामिल है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद का हुक्म दिया है और तौहीद के दलाइल बयान फरमाए हैं। आसमान की तख्लीक से लेकर ज़मीन की तख्लीक और उसकी फ़ज़ा और फिर उसके बाद यहाँ पर जानवरों और समंदर का निज़ाम, ये सारी इनमें से एक एक चीज़ अल्लाह ताला की कुदरत को पुकार पुकार कर जाहिर कर रही है और ये बता रही है कि ये जामिया निज़ाम सिवाय परवरदिगार रब्बुल आलमीन के और कोई पैदा नहीं कर सकता, किसी के बस में नहीं है। आयत नंबर 173 में कुछ चार चीज़ों की हुर्मत का जिक्र किया गया है कि ये चार चीज़ें हराम हैं, इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक है इन्नमा हर्रमा अलैकुम अल-मैता, मुर्दार खाना हराम है तुम्हारे लिए, खून ये हराम है, खिंजीर का गोश्त हराम है। और चौथी चीज़ जो जिक्र की गई है वो बहुत अहम है कि वो चीज़ जिसे अल्लाह के सिवा किसी और के नाम मंसूब कर दिया गया हो, जिसके ऊपर ज़िबा करते वक्त अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, वो भी हलाल नहीं है। चाहे वो अपनी ज़ात में हलाल हो लेकिन जब उसके साथ अल्लाह ताला के अलावा किसी और का नाम लग जाएगा तो वो हलाल नहीं रहेगी, हराम के दायरे में दाखिल हो जाएगी। लेकिन साथ एक और भी बात बताई गई है कि अगर कोई शख्स ऐसा हो कि जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करे ऐसे वक्त में जब उसे अपनी जान का ख़तरा हो और इतना ही इस्तेमाल करे कि उससे उसकी जान बच जाए, तो फिर याद रखिए इस अमल का उस पर गुनाह नहीं होगा, अल्लाह ताला उसकी इस कोताही को दरगुजर करेंगे और बख्श देंगे। आयत नंबर 177 में अल्लाह ताला ने नेकी के बहुत सारे रास्ते बयान किए हैं कि नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक व मगरिब की तरफ रुख करो, बल्कि नेकी अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर, आखिरत पर, अल्लाह की किताबों पर, अंबिया पर ईमान रखना, ये तो अकायद की बात बयान कर दी गई। साथ कहा गया है कि माल देना, अपना माल अता करना, देना खुद ख्वाहिश के बावजूद अपनी ज़रूरत होते हुए, किसको देना, रिश्तेदारों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, मुसाफिरों को, मांगने वालों को, ग़ुलाम आज़ाद करवाने के लिए, गोया खर्च करना अल्लाह के बंदों पर, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। और साथ साथ नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे, ये इबादात के कबील से दो चीज़ें जिक्र कर दी गई हैं। और साथ साथ अपने वादे को पूरा करना जब वो वादा करें, और एक चीज़ ये भी कही गई है कि मुश्किल और मुसीबत में और बीमारी में सब्र करना और जंग के वक्त साबित कदम और इस्तकामत के साथ रहना, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका लिहाज किया जाना चाहिए और जिसकी पाबंदी होनी चाहिए। ये सारे आमाल यहाँ ज़िक्र किए गए हैं। कुछ चीज़ें इनमें से आमाल के कबील से हैं, कुछ चीज़ें अकायद के कबील से हैं, कुछ चीज़ें अखलाक के कबील से हैं। सब्र और इस्तकामत और वादा पूरा करना ये अकायद के कबील से हैं, ये अखलाक के कबील से हैं ये चीज़ें। अब दुनिया में आपको मालूम है कि कत्ल क़िताल भी होता है, लोग बिला वजह भी किसी की जान ले लेते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कहीं किसी मुआशरे में कत्ल हो जाए तो अगर आप चाहते हैं कि माशरे में अमन कायम हो और सोसाइटी पर अमन और महफूज रहे तो उसका तरीका ये भी है कि वहाँ किसास का निज़ाम राइज करो। किसास का माना यह है कि जान के बदले में जान होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि इंसान अपनी जान जाने से डरता है, खौफजदा रहता है। अगर उसे मालूम हो कि मैं किसी की जान लूँगा तो मेरी जान भी जाएगी, तो फिर वो जुर्म से बाज रहेगा,
और अमूमन इस तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा और उस सोसाइटी के अंदर कत्ल की शरह जो है वो बहुत कम रह जाएगी। और अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी है, यानी एक आदमी जिसने कत्ल किया उसे तुम अगर उसकी जान ले लोगे, उसे कत्ल कर दोगे जान के बदले में, तो बाकी बहुत सारी जानें महफूज हो जाएंगी। ए अक्लमंदो लअल्लकुम तत्तकून। जबकि आज तो दुनिया में अजीब निज़ाम है, सज़ाओं के सख्त होने को की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि इस्लाम नऊज़ु बिल्लाह बड़ा वहशी मज़हब है, उसने बड़ी सख्त सज़ाएँ रखी हैं। हालांकि दुनिया में जहाँ भी वो निज़ाम कायम किया गया जो इस्लाम का सज़ाओं का और हदूद का निज़ाम है, तो उससे चंद लोग इब्तदाई तौर पर तो ऐसे हुए कि जिन्हें सख्त सज़ा मिली, लेकिन उसके बाद पूरा मुआशरा जराइम से पाक हो जाता है और हज़ारों लाखों जानें महफूज हो जाती हैं। ये अल्लाह ताला के इस कानून के अंदर ये हिकमत है, इसलिए कि अगर कोई माशरे में सज़ा हो, जुर्म जजा व सज़ा का निज़ाम हो, लेकिन वो जजा व सज़ा का निज़ाम ऐसा हो कि जो जुर्म को कम करने के बजाय बढ़ाने का काम दे रहा हो, तो दरअसल वो उस पूरे माशरे पर जुल्म के मुतरादिफ़ है। इस तरह जो लोग दूसरों के हाथ से कत्ल होंगे उसके मुकाबले में चंद एक अगर जो कातिल हैं वो अगर काबू आ जाएं और कत्ल काबू आ जाएं, तो फिर उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों की जानें बच जाती हैं। इसके बाद अगला एक रुकू जो है वो रोज़े से मुतालिक है कि रोज़े की फ़र्जियत का जिक्र किया गया और फरमाया गया कि चंद दिन अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, ज़ाहिर है कि साल भर नहीं किए, चंद दिन तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। और उसमें भी आसानी ये दी गई है कि अगर कोई शख्स बीमार हो, मुसाफिर हो, तो वो अगर उन दिनों में रोज़ा नहीं रख सकता, या कोई ख़ातून ऐसी हो कि जिसे विलादत का कोई मसला दरपेश हो, तो वो उन दिनों में अगर रोज़ा ना रखे तो बाद के दिनों में अगर वो अपनी गिनती पूरी कर ले तो इससे भी उसका फ़र्ज़ अदा हो जाता है। और फिर रमज़ान के महीना अभी आने वाला भी है, कुरान करीम के नुज़ूल का महीना है, वो कुरान जो इंसानों के लिए हिदायत है, जो इंसानों के लिए हक और बातिल को वाज़ह करने का ज़रिया है, जो हिदायत का मरकज़ है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब ये महीना तुम देखो तो इस महीने के अंदर रोज़ा रखा करो, और अगर कोई उज़र लाहिक हो तो फिर दूसरे अय्याम के अंदर तुम अपनी गिनती पूरी कर सकते हो। और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी करना चाहते हैं, मुश्किल नहीं करना चाहते। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। और साथ ये बताया गया है कि रोज़े का वक्त कब से कब तक है। रोज़े का वक्त है सुबह तुलू आफ्ताब से लेकर तुलू फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। तुलू फजर से गुरूब आफ्ताब तक का जो वक्त है, ये खाने पीने और इज़दवाजी ताल्लुकात से रुकने का अमल जो है इन औकात के अंदर, ये रोज़े का अमल कहलाता है। और इंसान अगर इन औकात में इस रोज़ा इख्तियार करे तो अल्लाह ताला उसके इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। और साथ ही अल्लाह ताला हज के हवाले से कुछ अहकाम यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं। चंद बातें जहन में रखिए। पहली बात तो यह कि हज के लिए कुछ महीने मुकर्रर हैं, और वो महीने हैं शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा के 10 दिन। इन 10 दिनों के अंदर, इन 2 महीने और 10 दिनों को हज के महीने डिक्लेयर किया गया है। और फिर इन हज के अय्याम के अंदर जाहिलियत की बहुत सारी रसूमात ऐसी थीं जो हज के अंदर की जाती थीं। इस्लाम ने आने के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद हज को पाक किया उन सारी रसूमात से। मिसाल के तौर पर वो लोग एक जगह इकट्ठे होकर अपने बाप दादा की कसीदे पढ़ते थे और उनकी तज़ीम और उनके नाम पर शेर व शायरी किया करते थे, तो इस्लाम ने इससे मना कर दिया और ये बताया कि ये तो हज इसलिए है ताकि अल्लाह का नाम बुलंद हो और अल्लाह ताला का नाम पुकारा जाए इन अय्याम के अंदर। और हज के दिन हैं 8 ज़िलहज से शुरू होता है और 12 ज़िलहज तक जारी रहता है, 13 तक भी हो सकता है। और इसके अंदर बुनियादी तौर पर 2 या 3 बड़े फ़राइज़ हैं, एक अहराम बांधना और फिर अरफात में वकूफ़ करना और तवाफ़ ज़ियारत करना, ये 3 बड़े फ़राइज़ हैं हज के। इसके अलावा जो आमाल हैं वो कुछ सुन्नत हैं और कुछ वाजिबात के कबील से हैं। इस तरह इस अमल को मुकम्मल किया जाता है। और फिर साथ साथ ये भी है कि इन अय्याम के अंदर इंसान जब अहराम बांधता है तो अहराम के अंदर होते हुए हरम के अंदर उसे कुछ चीज़ों की पाबंदी करनी पड़ती है।
वहाँ जाकर हरम के अंदर वो किसी जानवर को नहीं मार सकता, कोई दरख्त नहीं काट सकता, हत्ता कि एहराम की हालत में वो कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता मर्दों के लिए, ये हुक्म है। तो इस तरह उस उन पाबंदियों के अंदर रहकर अपना ज़ाद राह ले जाकर अपने माल खर्च करके इंसान अल्लाह के घर में हाजिर होकर अपना माल खर्च करके अल्लाह ताला के घर के इर्द गिर्द के तवाफ करता है और चक्कर लगाता है। और ये ऐसा अमल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू नहीं हुआ बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है। तब से अल्लाह के इस घर की इबादत की जा रही है, इस घर का तवाफ़ किया जा रहा है। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम इसके पास बाँ हैं, वो पास बाँ हमारा। फिर अल्लाह ताला दुआ करने का तरीका बताते हैं कि जब तुम दुआ करो तो दुआ में अल्लाह ताला से दुनिया भी मांगा करो और आखिरत भी, दुनिया की भलाई भी मांगा करो और आखिरत की भलाई भी अल्लाह ताला से मांगा करो। क्योंकि बाज़ औक़ात बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि अल्लाह से बस दुनिया ही मांगे, और बाज़ ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि अल्लाह से सिर्फ आखिरत मांगा करो, दुनिया अल्लाह से मांग के क्या करनी है। तो अल्लाह ताला की जो तालीम है वो ये है कि भाई दुनिया और आखिरत दोनों की खैर अल्लाह से मांगा करो। हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो उसके लिए भी अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से सवाल करो। अल्लाह ताला को सवाल करना अच्छा लगता है और इसमें बंदे की आजजी ज़ाहिर होती है, और सवाल ना करने से बंदे का तकब्बुर और बड़ाई ज़ाहिर होती है। अगली जो आयात हैं बहुत सारी, तीन चार रुकू ऐसे हैं जिनमें ख़ानदानी ज़िंदगी से मुतालिक कुछ मसाइल बयान किए जा रहे हैं। ख़ानदानी ज़िंदगी का मतलब है कि फैमिली लाइफ से मुतालिक कुछ अहकाम बयान किए जा रहे हैं, जिनमें से चंद बातें हम आपके सामने रख देते हैं। एक बात यह कि कौन कौन से रिश्ते इंसान के लिए हराम किए गए हैं, तफसील इसकी आएगी सूरह निसा में आगे जाकर। लेकिन यहाँ एक रिश्ते के हराम होने का जिक्र किया जा रहा है, वो ये कि किसी मुशरिक औरत से मोमिन निकाह नहीं कर सकता, वला तनकहुल मुशरिकात, और अपने किसी औरतों का निकाह मुशरिक मर्दों से भी तुम नहीं करवा सकते जब तक कि वो मोमिन न बन जाए। तो मुशरिक से निकाह नहीं हो सकता मुसलमान मर्द का और ना मुसलमान औरत का। वला अब्दु मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिक, और मोमिन गुलाम बेहतर है मुशरिक मर्द से जो आज़ाद हो। वलौ अअजबकुम, चाहे वो मुशरिक मर्द ही तुम्हें पसंद हो लेकिन मोमिन पर उसको तरजीह ना दिया करो। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलाक और निकाह के हवाले से कुछ मसाइल बयान फरमाए हैं। तलाक के बारे में चंद बातें जहन में रखिए। पहली बात तो ये कि तलाक का जो लफ्ज़ है इसका माना होता है अलहदा हो जाना या जुदा हो जाना। शरीयत ने इसके हवाले से चंद बातें जहन में रखनी चाहिए। जाहिलियत में तसव्वुर यह होता था कि एक आदमी अपनी बीवी को बे इंतहा तलाक़ें देता था, 100 तलाक दे देता था, 1000 तलाक दे देता था। लेकिन जब वो उसका वो टाइम पीरियड जो होता है वेट करने का, इंतज़ार करने का, जिसको इद्दत कहते हैं, जब वो गुज़रने लगता था तो फिर ये लोग रुजू कर लेते थे और उसी निकाह को कंटिन्यू करते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि वो औरत उस मर्द से कभी भी आज़ाद नहीं हो सकती थी। तो इस्लाम ने आकर सबसे पहले तो ये किया कि तलाक को महदूद कर दिया 3 तक, इससे ज़्यादा तलाक की का ऑप्शन ही नहीं रखा। अब 3 तलाक देने का ये माना भी नहीं है कि जिसने तलाक देनी है वो 3 ही देगा, बल्कि 3 तलाक का माना ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आप दे सकते हैं वो 3 है। अलबत्ता आइडियल तरीका जो शरीयत ने रखा है वो ये कि अगर किसी जगह पर ज़रूरत पेश आ जाए जहाँ मियाँ बीवी एक दूसरे से तंग हों, एक दूसरे के साथ उनकी निब न रही हो, एक दूसरे के साथ की ज़िंदगी एक दूसरे की वजह से वो मुश्किल बन रही हो उनकी, और तमाम सुलह के रास्ते भी बंद हो चुके हों, सुलह के तरीके भी आजमा लिए गए हों, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का भी अब उनके अंदर स्टेमिना बाकी ना रहा हो, उसके बाद जाकर अगर वो इस अमल को करते भी हैं तो फिर उसका तरीका यह है कि वो 1 तलाक दे वो आदमी किसी औरत को, और फिर उसे उसके हाल पर छोड़ दे यहाँ तक कि उसकी इद्दत गुजर जाए, जिसके बाद वो उसके निकाह से निकल जाए। ये मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि फ़र्ज़ करें अगर एक तलाक दे दी गई और उसके बाद वो अलग हो गए
फिर भी उनके पास ऑप्शन होगा इस बात का कि वो दोबारा निकाह करके अपनी उस दोबारा निकाह कर सकते हैं और रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 तलाक दे दी गई, जैसे कि हमारे यहाँ बड़ी बेवकूफ़ी है कि जो भी तलाक देता है 3 ही देता है, उसका ख्याल ये है कि 3 से कम तो होती नहीं है भाई, 3 मैक्सिमम है। आप मैक्सिमम को अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर अपने लिए खुद मुश्किल पैदा कर लेते हैं। इंसान निकाह कर लेते हैं लेकिन ये तक नहीं सीख पाते कि निकाह और तलाक के मसाइल क्या हैं, इसलिए इस पर भी कोई ऐसी कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए निकाह करने वालों की कि उन्हें मालूम हो कि शादी ब्याह के बाद उनके लिए शरीयत के अहकाम क्या हैं और उनके लिए तरीक़ा क्या है। अगर एक इंसान यही बुनियादी बात नहीं सीख पाता तो ये एक बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है उसके लिए। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ये भी बताते हैं कि जब 3 तलाक हो गई तो उसके बाद आगे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते फला तहल्लु लहु मिन बादु हत्ता तन्किह ज़ौजन ग़ैरा, कि फिर वो औरत उसके लिए हलाल नहीं रहती 3 तलाक के बाद जब तक कि वो किसी और शोहर से निकाह ना करे। तो ये गोया 3 का माना ही, अगर 3 के बाद भी वो उसी तरह दोबारा निकाह कर सके तो फिर 3 की शिद्दत या 3 का नाजायज़ होना मालूम, फिर 3 तलाक इकट्ठे देना शरीयत में नाजायज़ भी है, इसको मकरूह और हराम के बराबर अमल करार दिया गया है। हत्ता कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में अगर कोई 3 दे देता था तो उसे वो बाकायदा कोड़े लगाए जाते थे, उसको बाकायदा कोड़े लगाए जाते थे, सज़ा दी जाती थी। और दूसरी बात यह भी है कि फिर साथ साथ ये बताया गया है कि बच्चे को दूध पिलाने का अरसा कितना होता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं दूध पिलाने का अरसा है कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल मुकम्मल दूध पिलाया करें और उस दौरान उसका ख़र्चा सारा का सारा उसके खावंद के ज़िम्मे है, उसके शोहर के ज़िम्मे है, शोहर के ज़िम्मे है। वारल मौलूद रहु रिस्कु हुन्न व किस्वतु हुन्न बिल मारूफ। और इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी हो जाती है और अलहदगी होती है वफात की वजह से कि खावन का इंतकाल हो गया, तो फिर औरत को की जो इद्दत है वो कितनी है, तो शरीयत ये आयत ये बता रही है कि उसकी इद्दत होगी 4 माह 10 दिन, यानी 4 माह 10 दिन तक उसे इंतज़ार करना होगा अगले निकाह करने से पहले। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह और तलाक के ये मसाइल, कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कभी पेश आ जाएं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, तलाक वगैरह के मसाइल अगर पेश आ जाएं तो बजाय इसके कि इंसान ख़ुद कोई ऐसा अमल करे, उसे मुस्तनद उलमा से रुजू करके, किसी दारुल इफ्ता से जामे शरीफ में तशरीफ़ ले आएँ, वहाँ रुजू करके रहनुमाई लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस अपनी मर्ज़ी से जो इंसान जो चाहे करता रहे और किसी से कोई रहनुमाई ना ले, किसी से कोई गाइडलाइन ना ले, ये मुनासिब नहीं है। इसके बाद अगली आयात में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ज़माने का एक वाक़या ज़िक्र किया है कि बनी इसराइल के एक पैगंबर थे, उनके ज़माने में उनकी कौम ने उनसे ये दुआ करवाई कि हमारे लिए किसी बादशाह को भेज दीजिए जो जिसके साथ मिलकर हम जिहाद करें। ये पैगंबर कौन से थे? याद रखिए, ये पैगंबर थे हज़रत यूशा बिन नून। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद का वाक़या है। तो हज़रत यूशा बिन नून ने अल्लाह ताला के हुक्म से एक शख्स को बादशाह बनाया जिनका नाम था तालूत, उनका ज़िक्र है यहाँ पर कि तालूत को बादशाह बना दिया अल्लाह ताला के हुक्म से। तो कौम ने उनको बादशाह मानने से इनकार किया सिर्फ इस वजह से कि जी इनके पास तो दौलत नहीं है, इनके पास माली वसअत नहीं है, इनके पास तो कोई बड़ा मजबूत किस्म का ख़ानदानी बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए तो हम इन्हें बादशाह नहीं मान सकते। आज भी आप देखें यही ख्याल किया जाता है कि हुकूमत और बादशाहत ऐसे लोगों का हक है जिनके पास बड़े वसी पैमाने पर दौलत हो, और गरीब आदमी अगर इस तरह के किसी अमल में शरीक हो जाए तो फिर उसे जो नतीजा उसका निकलता है वो आप सब जानते हैं। गोया ये भी बनी इसराइल के ज़माने की सोच है कि अमीर आदमी होना चाहिए, वही मनासिब का और ओहदों का हकदार होता है। बहरहाल फिर उसके बाद कौम ने जब मानने से इनकार किया तो हज़रत यूशा बिन नून ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसको चुना है और इल्म और जिस्म दोनों एतबार से इन्हें तुम पर फोकियत दी है,
और बादशाहत अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसे चाहता है वो देता है। तो गोया जो मेयार मुकरर किया गया वो इल्मी और जिस्मानी ताकत थी किसी के बादशाह बनने के लिए। गोया इल्मी ताकत इसलिए थी ताकि वो गौर व फिक्र में निज़ाम को चलाने में मुआविन हो, और जिस्मानी ताकत इसलिए है ताकि उसका रोबदाब और हैबत कायम हो। बहरहाल हज़रत तालूत बादशाह बने, और बादशाह बनकर उन्होंने बनी इसराइल को लेकर उनकी जो दुश्मन कौम थी उससे मुकाबला किया, और मुकाबला करके बनी इसराइल को दोबारा उनके असली वतन फ़लस्तीन में और शाम में ले जाकर आबाद करने में कामयाब हुए। इसके बाद अगली आयात में अल्लाह ताला ने तौहीद का एक मसला बयान फरमाया है, जिसमें दरमियान में आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी का जो बुनियादी मज़मून है वो तौहीद है। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत बताई है, वो अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो ज़िंदा है और सबको थामने वाला है, ना उसे नींद आती है ना ऊँग आती है, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी का है। मंज़ल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, उसके सामने उसकी इजाज़त के बग़ैर भला कौन सिफारिश करने की जुरत कर सकता है, वो उनके आगे और पीछे जो कुछ है वो सब जानता है, और ये लोग उसके इल्म का इहाता नहीं कर सकते मगर उतना ही जितना वो चाहे। वसया कुर्सीयुहु समावात वल अर्ज़, और उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन पर फैली हुई है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और इन आसमानों और ज़मीन की हिफाजत से उसे थकावट नहीं होती, वो थकता नहीं है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वही है बहुत आलीशान और आज़मत वाला। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद का एक मसला बयान फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मरतबा मुबाहसा हो गया नमरूद के साथ। तो नमरूद ने दावा किया था खुदाई का, और वो ये कहता था कि मैं भी खुदा हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि खुदा तुम नहीं हो, खुदा वो है जो रब वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है। तो उसने क्या किया कि एक शख्स को कत्ल करवा दिया, और एक जो सज़ा याफ्ता था उसे छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, और कहने लगा कि देखिए मैं भी ज़िंदगी और मौत दे सकता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा, मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, तुम मगरिब से निकाल कर दिखाओ। इस पर वो हैरान रह गया, हैरान रह गया। तो गोया वजह क्या थी, उसने ज़िंदगी और मौत देना उस चीज़ को समझा जो हकीकत में ज़िंदगी और मौत देना था ही नहीं। गोया असल में उसको तसव्वुर ही क्लियर नहीं था, उसका कॉन्सेप्ट ही वाज़े नहीं था कि ज़िंदगी और मौत देना कहते किसे हैं। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी बात, अपना दावा, अपनी दलील बदलना पड़ी। तो पता ये चला कि एक ही दावे के लिए मुतअद्दिद दलाइल भी हो सकते हैं, और एक ही आदमी अगर बात समझ नहीं पा रहा तो फिर उसका तरीका ये कि उसको किसी और तरीके से, मुतबादल तरीके से समझाया जाए। इसी तरह एक पैगम्बर का वाक़ आगे ज़िक्र किया जा रहा है, इससे अल्लाह ताला की वहदानियत पता चली कि वो ज़िंदगी और मौत देता है, और साथ साथ सूरज को निकालता है मशरक से और मगरिब में जाकर उसे ग़ुरूब करता है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का मुजाहरा किया एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा कैसे करेंगे। हज़रत इब्राहीम कहने लगे, क्या हज़रत इब्राहीम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपका ईमान नहीं है, अवलम तो मैं काला बला, फरमाया बिल्कुल ईमान तो मौजूद है, लेकिन मैं इत्मीनान कल्ब के लिए ये सवाल कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर आप ऐसे करें, चार परिंदे पकड़ें, उन्हें अपने साथ मानूस करें, और उनमें से हर परिंदा का एक हिस्सा किसी पहाड़ी पर जाकर रख दें, और उन्हें पुकारें, आवाज़ दें उन परिंदों को, या तीन कसाया, वो दौड़ते हुए आपके पास आ जाएंगे। इन मरे हुए परिंदों को जिनके आपने चार चार टुकड़े कर दिए हैं, उन परिंदों को आपने आवाज़ दी तो वो बिल्कुल दौड़ते हुए आपके पास आए। वो कौन है जिसने इनके अंदर ज़िंदगी की वो हरारत आपके सिर्फ एक पुकार के साथ ही पैदा कर दी है, ज़ाहिर है आपने तो नहीं की। वही अल्लाह है, वही कादर मुतलक है, वही हकीम है। तो आज हम इसी पर इत्तफाक करते हैं। आयत नंबर 260 तक हमने पढ़ा है। अगली जो आयात है उनका ताल्लुक़ दरअसल है माली मामलात के साथ, के माली मामलात कैसे होते हैं और उसके अंदर शरीयत के अहकामात क्या हैं और उसमें किन किन चीज़ों पर तवज्जो रखनी चाहिए, वो इंशाअल्लाह ये आखिरी आयात सूरतुल बकरा की और फिर उसके बाद सूरह आले इमरान इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। आज इसी पर इत्तेफाक करते हैं अगले सबक में। अगली क्लास इंशाअल्लाह पीर को होगी, क्योंकि इतवार को हमारी क्लास नहीं होती है।